नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योर नॉलेज शो में। भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री के साथ साझेदारी में एक महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स HAPS के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर केंद्रित है। इस मामले को उपयुक्त रूप से इंडिजिनस डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS थ्रू प्राइवेट डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री नाम दिया गया है, जो हवाई निगरानी और डेटा गैदरिंग में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना की कमिटमेंट को दर्शाता है। इस वीडियो में हम इस परियोजना की जटिलताओं पर प्रकाश डालेंगे, इसके महत्व और ऑब्जेक्टिव्स पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल बटन को भी ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। पहले जानते हैं क्यों है हवाई निगरानी की आवश्यकता। तो दोस्तों, एक विशाल क्षेत्र पर निगरानी रखना महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। लॉन्ग टर्म वेपन्स प्लानिंग, टारगेट एरियाज का आकलन करने और अपनी सेना के लिए कवरेज प्रदान करने के लिए, चाहे वह ऑफेंसिव पोजीशन हो या डिफेंसिव, वर्तमान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो केपेबल हो लंबे समय तक निरंतर सर्वेलेंस करने में। हालांकि मिलिट्री सैटेलाइट्स अलग प्रकृति का हाई कॉस्ट और कम एंड्यूरेंस सॉल्यूशन प्रदान कर सकते हैं। इस आवश्यकता को पहचानते हुए IAF ने संभावित समाधान के रूप में उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रहों, मतलब HAPC की ओर रुख किया है। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स एक सोलर पावर्ड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसे हाई एल्टीट्यूड्स पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लंबे समय के लिए ट्रोपोस्फीयर के ऊपर रहता है। ये सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म विभिन्न मिशनों के लिए उपयुक्त सेंसर और उपकरणों के एक सेट से इक्विप्ड है। भारतीय वायुसेना के उद्देश्यों के संदर्भ में HAPS रणनीतिक क्षेत्रों पर हवाई निगरानी बनाए रखने, लक्ष्य की पहचान, चेंज डिटेक्शन और डेटा संग्रह में सहायता करने में सहायक होगा। ये सिस्टम महीनों तक हवा में रहेगा और नेग्लिजिबल रुकावटों के साथ लंबे समय के लिए ISR क्षमताएं प्रदान करेंगे, मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस प्रदान करेंगे। ये सिस्टम्स कंपैरेटिवली कम लागत और कम मेंटेनेंस वाली सिस्टम्स होंगी। प्रारंभ में न्यू स्पेस रिसर्च और HAL इस सॉल्यूशन के साथ आई है। ये सिस्टम कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम CATS का हिस्सा था। इसे CATS इन्फिनिटी कहा जाता था। हालांकि इस नए मामले में भारतीय वायुसेना का जोर इसे एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्टनर से हासिल करने पर है। इस प्रकार यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या CATS का अधिग्रहण किया जाएगा या एक नई प्रणाली का अधिग्रहण किया जाएगा। आज दुनिया में कई कमर्शियल सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, और यदि कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्टनर इनमें से किसी भी स्वदेशी कॉन्टेंट को 50% तक बढ़ाने का प्रबंधन करें, तो उनके पास भी इक्वल चांस है CATS इन्फिनिटी जैसा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए IAF सक्रिय रूप से भारत में निजी रक्षा कंपनियों से भागीदारी की मांग कर रही है। देश की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप भारतीय वायुसेना यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक है कि सूडो सैटेलाइट परियोजना में न्यूनतम 50% इंडिजिनस कंटेंट हो, जिससे स्वयं को बढ़ावा मिल सके डिफेंस टेक्नोलॉजी में। भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट को स्पेसिफिक पैरामीटर्स का पालन करना होगा, जैसे कि लॉन्ग रेंज एरियल सर्वेलेंस, HIPS में 3 महीने तक एक बड़े क्षेत्र की हवाई निगरानी करने, निरंतर कवरेज और डेटा संग्रह प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, इसमें संभावित टारगेट्स को आइडेंटिफाई और ट्रैक करने, चेंजेस का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, संचार और डेटा लिंक संचालन के लिए विभिन्न ऑनबोर्ड सेंसर को इंटीग्रेट करने की क्षमता होनी चाहिए। सैटेलाइट इक्विवेलेंट टास्किंग, HAPS को आम तौर पर सैटेलाइट्स जैसा टास्क को करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे सीमाओं के पार भी निरंतर ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हो और सैटेलाइट्स लिमिटेशंस के कारण जो सर्वेलेंस कवरेज में गैप्स हो उसे कम किया जा सके। HAPS को लॉन्ग टर्म के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र पर निरंतर सर्वेलेंस करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, जिससे कि लंबे समय तक, जैसे कि कुछ महीनों तक, बिना रुकावट सर्वेलेंस किया जा सके। महत्वपूर्ण रूप से HIPS में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट्स में इसकी सहन शक्ति और इफेक्टिवनेस सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स की खोज
भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। प्राइवेट डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करके और कठोर पैरामीटर्स का पालन करके IAF लॉन्ग टर्म हवाई निगरानी और डेटा गैदरिंग के लिए एक अत्याधुनिक समाधान विकसित करने के लिए तैयार है। यह पहल न केवल डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है, बल्कि नवीन और घरेलू समाधानों के माध्यम से अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने की भारत की कमिटमेंट को भी रेखांकित करती है। हैप्स तकनीक निस्संदेह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि आपका क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।